Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 46 of English sentence structure videos. In this video, we will be learning how to make sentences using I'm not sure if subject plus verb. I'm not sure if iska matlab kya hai? Mujhe yakeen nahi hai ki. Theek hai, ab kya yakeen nahi hai? वो हम लोग सेंटेंसेस बहुत सारा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, समझेंगे. हर बार की तरह अभी हम लोग सबसे पहले टेंस देखेंगे. ठीक है, तो टेंस देखने के लिए पेज लेते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि. आई के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ही इज नॉट श्योर इफ, उसे यकीन नहीं है कि. शी इज नॉट श्योर इफ, उसे यकीन नहीं है कि. ही में कोई लड़का, शी में कोई लड़का लड़की. इट इज नॉट श्योर इफ, इसे यकीन नहीं है कि. अब देखिए, अलग अलग सेट में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होगा. यू आर नॉट श्योर इफ, आपको यकीन नहीं है कि. वी आर नॉट श्योर इफ, हमें यकीन नहीं है कि. दे आर नॉट श्योर इफ, उन्हें यकीन नहीं है कि. अब देखिए, नॉट क्या है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव. आई एम श्योर If, मुझे यकीन है कि. ही इज श्योर. अच्छा देखिए, अब यहां पे एक चीज, जब आप श्योर लगा रहे हैं तो इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ आप कब लगा रहे हैं? जब आप श्योर नहीं रहते हैं. ठीक है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है. ही इज श्योर, उसे यकीन है. शी इज श्योर, उसे यकीन है. ही में कोई लड़का, शी में कोई लड़की. इट इज श्योर, आपको यकीन है. यू आर श्योर. इट इज श्योर, इसे यकीन है. यू आर श्योर, आपको यकीन है. वी आर श्योर, हमें यकीन है. दे आर श्योर, उन्हें यकीन है. ठीक है जी. क्वेश्चन पॉजिटिव, एम आई श्योर, क्या मुझे यकीन है. इज ही श्योर, क्या इसे यकीन है. Is she sure? क्या इसे यकीन है. Is it sure? क्या इसे यकीन है. Are you sure? क्या आपको यकीन है. Are we sure? क्या हमें यकीन है. Are they sure? क्या उन्हें यकीन है. ठीक है. Now question, एम आई नॉट श्योर इफ. अब देखिए, मुझे यकीन नहीं है कि, क्योंकि जब नॉट है तो की आएगा. ठीक है. इजंट ही श्योर इफ, उसे यकीन नहीं है कि. इजंट शी श्योर इफ, उसे यकीन नहीं है कि. इजंट इट श्योर इफ, उसे यकीन, इसे यकीन नहीं है कि. आंट यू श्योर इफ, आपको यकीन नहीं है कि. आंट वी श्योर इफ, हमें यकीन नहीं है कि. आंट दे श्योर इफ, उन्हें यकीन नहीं है कि. अब देखिए, इसका हम लोग क्या बनाते हैं पास्ट टेंस. आई वॉज नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं था कि. ही वॉज नॉट श्योर इफ, उसे यकीन नहीं था कि. शी वॉज नॉट श्योर इफ, उसे यकीन नहीं था कि. इट वॉज नॉट श्योर इफ, इसे यकीन नहीं था कि. यू वर नॉट श्योर इफ, आपको यकीन नहीं था कि. वी वर नॉट श्योर इफ, हमें यकीन नहीं था कि. दे वर नॉट श्योर इफ, उन्हें यकीन नहीं था कि. पॉजिटिव, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था. He was sure, उसे यकीन था. She was sure, उसे यकीन था. It was sure, इसे यकीन था.
यू वर श्योर, आपको यकीन था। वी वर श्योर, हमें यकीन था। दे वर श्योर, उन्हें यकीन था। पॉजिटिव क्वेश्चन इन द पास्ट टेंस, वॉज आई श्योर, क्या मुझे यकीन था। वॉज ही श्योर, क्या इसे यकीन था। वॉज ही श्योर, क्या उसे यकीन था। वॉज इट श्योर, क्या इसे यकीन था। वर यू श्योर, क्या आपको यकीन था। वर वी श्योर, क्या हमें यकीन था। वर दे श्योर, क्या उन्हें यकीन था। यहाँ पे क्वेश्चन, वॉजंट आई श्योर इफ, क्या मुझे यकीन नहीं था कि। वॉजंट ही श्योर इफ, क्या उसे यकीन नहीं था कि। वॉजंट शी श्योर इफ, क्या उसे यकीन नहीं था कि। वॉजंट इट श्योर इफ, क्या इसे यकीन नहीं था कि। वर्न्ट यू श्योर इफ, क्या आपको यकीन नहीं था कि। वर्न्ट वी श्योर इफ, क्या हमें यकीन नहीं था कि। वर्न्ट दे श्योर इफ, क्या उन्हें यकीन नहीं था कि। अब देखिए फ्यूचर देखेंगे। आई विल नॉट बी श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं होगा कि। ही विल नॉट बी श्योर इफ, उसे यकीन नहीं होगा कि। शी विल नॉट बी श्योर इफ, उसे यकीन नहीं होगा कि। इट विल नॉट बी श्योर इफ, इसे यकीन नहीं होगा कि। यू विल नॉट बी श्योर इफ, आपको यकीन नहीं होगा कि। वी विल नॉट बी श्योर इफ, हमें यकीन नहीं होगा कि। दे विल नॉट बी श्योर इफ, उन्हें यकीन नहीं होगा कि। पॉजिटिव, आई विल बी श्योर, मुझे यकीन होगा। ही विल बी श्योर, उसे यकीन होगा। शी विल बी श्योर, उसे यकीन होगा। इट विल बी श्योर, आपको यकीन होगा। यू विल बी श्योर, आप इट विल बी श्योर, इसे यकीन होगा। यू विल बी श्योर, आपको यकीन होगा। वी विल बी श्योर, हमें यकीन होगा। दे विल बी श्योर, उन्हें यकीन होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन, विल आई बी श्योर, क्या मुझे यकीन होगा। विल ही बी श्योर, क्या इसे यकीन होगा। विल शी बी श्योर, क्या उसे यकीन होगा। विल इट बी श्योर, क्या इसे यकीन होगा। Will you be sure, क्या आपको यकीन होगा। Will we be sure, क्या हमें यकीन होगा। Will they be sure, क्या उन्हें यकीन होगा। अच्छा, won't I be sure, won't I be sure if, क्या मुझे यकीन होगा कि। देखिए यहाँ पे हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, पहला हम लोग प्रेजेंट देखे, फिर पास्ट देखे, अब फ्यूचर देख रहे हैं। और ये नेगेटिव फ्यूचर में क्वेश्चन है, won't he be sure if, क्या उसे यकीन नहीं होगा कि। वोंट शी बी श्योर इफ, क्या उसे यकीन नहीं होगा कि। वोंट इट बी श्योर इफ, क्या इसे यकीन नहीं होगा कि। वोंट यू बी श्योर इफ, अच्छा फ्यूचर है ना, वोंट नहीं होगा, वोंट होगा। वोंट यू बी श्योर इफ, क्या आपको यकीन नहीं होगा कि। वोंट वी बी श्योर इफ, क्या हमें यकीन नहीं होगा कि। वोंट दे बी श्योर इफ, क्या उन्हें यकीन नहीं होगा कि। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे। आप भी ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज का यकीन है, यकीन नहीं होगा। इस तरह से, आई एम नॉट श्योर एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। किसी चीज पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको यकीन नहीं है, तो आप आई एम नॉट श्योर का इस्तेमाल करेंगे। और जब आई एम श्योर बोलेंगे तब आपको यकीन है कि हाँ ये होगा। हियर आर सम एग्जांपल, अब देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप ध्यान से उदाहरण को पढ़िए, समझिए, और हो सके तो खुद से भी सेंटेंसेस बनाइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितना सीखे हैं, और आपको उस हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि आप और ज़्यादा अंग्रेजी सीख पाएँ अच्छे से। I'm not sure if they will offer me the job. मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे नौकरी देंगे। They will offer me the job. वे मुझे नौकरी देंगे। I'm not sure if they will offer me the job. मुझे यकीन नहीं है कि वे मुझे नौकरी देंगे। I'm sure they will offer me the job. मुझे यकीन है कि वे मुझे नौकरी देंगे। अब देखिए, Am I sure they will offer me the job? क्या मुझे यकीन है कि वे मुझे नौकरी देंगे। Am I not sure if they will offer me the job? मुझे यकीन नहीं है कि वे मुझे नौकरी देंगे। I'm not sure if you have any question. मुझे यकीन नहीं है कि आपको कोई प्रश्न है या नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए, देंगे या नहीं देंगे, if जब हम लोग लगाते हैं तो I'm sure you have any question. You have some questions. मुझे यकीन है कि आप
के कोई प्रश्न है? एम आई श्योर यू हैव सम क्वेश्चन? क्या मुझे यकीन है कि आपके पास कोई प्रश्न है? एम आई नॉट श्योर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास कोई प्रश्न है या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट? मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है या नहीं है? आई एम श्योर इट इज करेक्ट? मुझे यकीन है कि यह सही है. एम आई श्योर इट इज करेक्ट? क्या मुझे यकीन है कि यह सही है? एम आई नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट? क्या मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ माई वाइफ विल अंडरस्टैंड? मुझे यकीन नहीं है कि मेरी पत्नी समझ जाएगी या नहीं. आई एम श्योर माई वाइफ विल अंडरस्टैंड? मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी समझ जाएगी. एम आई श्योर माई वाइफ विल अंडरस्टैंड? क्या मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी समझ जाएगी? एम आई नॉट श्योर इफ माई वाइफ विल अंडरस्टैंड? क्या मुझे यकीन नहीं है कि मेरी पत्नी समझ जाएगी या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ आई लव हिम? मुझे यकीन नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं. ठीक है, अब देखिए यहां पे हिम है तो लड़की होगी, तो यहां करती हूं आप कर दीजिए. आई एम श्योर आई लव हिम? मुझे यकीन है कि मैं उससे प्यार करती हूं. एम आई श्योर आई लव हिम? क्या मुझे यकीन है कि मैं उससे प्यार करती हूं? एम आई नॉट श्योर इफ आई लव हिम? क्या मुझे यकीन नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूं? आई एम नॉट श्योर इफ वी विल गो आउट टू नाइट? मुझे यकीन नहीं है कि हम आज रात बाहर जाएंगे या नहीं. आई एम श्योर वी विल गो आउट टू नाइट? मुझे यकीन है कि हम आज रात बाहर जाएंगे. एम आई श्योर वी विल गो आउट टू नाइट? क्या मुझे यकीन है कि हम आज रात बाहर जाएंगे? एम आई नॉट श्योर इफ वी विल गो आउट टू नाइट? क्या मुझे यकीन नहीं है कि हम आज रात बाहर जाएंगे या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ यू आर लुकिंग? मुझे यकीन नहीं है कि आप देख रहे हैं या नहीं. आई एम श्योर यू आर लुकिंग? मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं. एम आई श्योर यू आर लुकिंग? क्या मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं? एम आई नॉट श्योर इफ यू आर लुकिंग? क्या मुझे यकीन नहीं है कि आप देख रहे हैं या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपका प्रश्न समझता हूं या नहीं. आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? मुझे यकीन है कि मैं आपका प्रश्न समझता हूं. एम आई श्योर आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? क्या मुझे यकीन है कि मैं आपका प्रश्न समझता हूं? एम आई नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? क्या मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपका प्रश्न समझता हूं या नहीं? तो देखिए आप क्या क्या चीज आपको यकीन है क्या नहीं है वो सोचते रहिए और नीचे सेंटेंस बनाते जाइए. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम? मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगा या नहीं. इफ लगा रहे हैं इसलिए या नहीं लगा रहे हैं. आई एम श्योर ही विल कम? मुझे यकीन है कि वह आएगा. एम आई श्योर ही विल कम? क्या मुझे यकीन है कि वह आएगा? एम आई नॉट श्योर इफ ही विल कम? क्या मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगा या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल इट? मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं. आई एम श्योर आई कैन हैंडल इट? मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकता हूं. एम आई श्योर आई कैन हैंडल इट? क्या मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकता हूं? एम आई नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल इट? क्या मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ ही लव्स मी? मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं. आई एम श्योर ही लव्स मी? मुझे यकीन है कि वह मुझसे प्यार करता है. एम आई श्योर ही लव्स मी? क्या मुझे यकीन है कि वह मुझसे प्यार करता है? एम आई नॉट श्योर इफ ही लव्स मी? क्या मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ इट विल हैपन? मुझे यकीन नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. आई एम श्योर इट विल हैपन? मुझे यकीन है कि यह होगा. एम आई श्योर इट विल हैपन? क्या मुझे यकीन है कि यह होगा? एम आई नॉट श्योर इफ इट विल हैपन? क्या मुझे यकीन नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा? आई एम नॉट श्योर इफ वी आर डेटिंग? मुझे यकीन नहीं है कि हम डेटिंग कर रहे हैं या नहीं. डेटिंग करना मतलब आप किसी से जब प्यार करते हैं तो आप उसके संग घूमने फिरने जाते हैं तो उसको डेटिंग कहा जाता है. या आप जब किसी के संग रिश्ते में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो भी आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं. आई एम श्योर वी आर डेटिंग? मुझे यकीन है कि हम डेटिंग कर रहे हैं. एम आई श्योर वी आर डेटिंग? क्या मुझे यकीन है कि हम डेटिंग कर रहे हैं?
एम आई नॉट श्योर इफ वी आर डेटिंग, क्या मुझे यकीन नहीं है कि हम डेटिंग कर रहे हैं या नहीं. आई एम नॉट श्योर इफ इट विल मैटर, मुझे यकीन नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं. आई एम श्योर इट विल मैटर, मुझे यकीन है कि इससे कोई फर्क पड़ता है. एम आई श्योर इट विल मैटर, क्या मुझे यकीन है कि इससे कोई फर्क पड़ता है. एम आई नॉट श्योर इफ इट विल मैटर, एम आई नॉट श्योर इफ इट विल मैटर, क्या मुझे यकीन नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं. आई एम नॉट श्योर इफ इट विल वर्क, मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं. आई एम श्योर इट विल वर्क, मुझे यकीन है कि यह काम करेगा. एम आई श्योर इट विल वर्क, क्या मुझे यकीन है कि यह काम करेगा. एम आई नॉट श्योर इफ इट विल वर्क, क्या मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं. आई एम नॉट श्योर इफ माई मॉम विल नोटिस, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी माँ ध्यान देगी या नहीं. आई एम श्योर माई मॉम विल नोटिस, मुझे यकीन है कि मेरी माँ ध्यान देगी या करेगी. एम आई श्योर माई मॉम विल नोटिस, क्या मुझे यकीन है कि मेरी माँ ध्यान देगी या करेगी. एम आई नॉट श्योर इफ माई मॉम विल नोटिस, नोटिस करना ध्यान देना. मुझे यकीन नहीं है कि मेरी माँ ध्यान करेगी या नहीं. आई एम श्योर इफ इट विल इट वर्क्स, मुझे यकीन है नहीं है कि यह काम करता है या नहीं. आई एम श्योर इट विल वर्क्स, मुझे यकीन है कि यह काम करता है. एम आई श्योर इट वर्क्स, क्या मुझे यकीन है कि यह काम करता है. एम आई नॉट श्योर इफ इट वर्क्स, क्या मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करता है या नहीं. आई एम नॉट श्योर इफ दे विल परमिट अस टू पार्क हियर, परमिट करना मतलब अनुमति देना. आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, बाइक पार्क करना चाहते हैं. मुझे यकीन नहीं है कि वे हमें यहाँ पार्क करने की अनुमति देंगे या नहीं. आई एम श्योर दे विल परमिट अस टू पार्क देयर, मुझे यकीन है कि वे हमें वहां पार्क करने की अनुमति देंगे. एम आई श्योर दे विल परमिट अस टू पार्क देयर, क्या मुझे यकीन है कि वे हमें वहां पार्क करने की अनुमति देंगे. एम आई नॉट श्योर इफ दे विल परमिट अस टू पार्क देयर, क्या मुझे यकीन नहीं है कि वे हमें वहां पार्क करने की अनुमति देंगे या नहीं. अब देखिए आपको सोचना क्या है, क्या क्या चीज के लिए आपको यकीन है और क्या क्या यकीन नहीं है. तो सोचिए, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर, ऑफिस, मार्केट, शॉपिंग कर रहे हैं आप, मूवी हॉल में, मॉल में, प्लेग्राउंड, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अस्पताल में है, डॉक्टर के पास है, दवाई के दुकान में है, घूम फिर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ का आपको यकीन है और क्या क्या चीज़ का यकीन नहीं है, उस पर आप सेंटेंसेस नीचे बनाते जाइए. आप हर एक सेट में सेंटेंसेस, कम से कम एक या दो सेंटेंस सारे टेंस का मिला के पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन सबसे बनाइए, तभी आप अंग्रेजी अच्छे से सीख पाएंगे. क्योंकि मैं भी समझ पाऊंगा कि आप कितना सीखे हैं, ठीक है. और साथ ही साथ आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बना सकें और आप अंग्रेजी अच्छे से सीख सकें. यहाँ हमारा डे 46 समाप्त होता है, एंड नाउ वी विल बी अपलोडिंग डे 47 टुमारो, एंड यू हैव टू गो टिल डे 89 टू लर्न इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली. आप पूरा डे 1 से डे 89 तक जो स्टूडेंट पूरा कर लेगा, ये 100% गारंटी है कि अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे. साथ ही साथ हमारे वीडियोज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर करें, ताकि वह भी अंग्रेजी सीखें और सब साथ साथ अंग्रेजी बोल पाएं. धन्यवाद.